और आप देख लें कि उनकी वो बैटिंग है जो मुसलसल फ्लॉप थी, मतलब बाश जो है वो भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे वर्ल्ड कप में, बेहतर स्कोर नहीं कर पाए, और वार्नर तो बाकायदा वो बिल्कुल ही कह रहे थे कि फ्लॉप। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि उसके बाद पाकिस्तान ने मैच संभाला, पहले भी संभल सकता था 10 रन पर अगर वार्नर का कैच ड्रॉप ना किया जाता, दोनों 10-10 पे थे, हाँ दोनों स्मिथ भी 10 पे थे और वो भी, और उसके बाद आप देखें कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया सिवाय इनके, बाकी हिट कर रहे हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कमबैक किया, इतने मुश्किल बैटिंग पिच पे उन्होंने 5 विकेट ले लिए हैं, हैट्रिक हुई है, एक बड़ा अच्छा, नहीं 2 विकेट उन्होंने बैक टू बैक किए थे, उसके बाद एक वाइड हुआ है और फिर एक सिंगल बना है। तो ये जैसे पाकिस्तान ने पिछले ओवर पे जब हारिस लोक को, हालांकि थोड़ा बाउंड्री भी लग रही थी उस वक्त, भी ये नजर आ रहा था कि 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने 26 रन दिए 2 खिलाड़ियों का आउट किया। पाकिस्तान बॉलिंग स्टार्ट के पहले 5 ओवर देख लें बड़ा कंट्रोल था, और आखिरी भी 5 ओवर बड़ा कंट्रोल रहा, बीच में बस मिसफील्डिंग और चीजें हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि फराज जी, उन्होंने जब पहला छक्का मारा था बॉलर ने, तो वो दिखाया जा रहा था कि 59 मीटर की वो छक्का था, छक्का 59 मीटर का था और वो स्टैंड में जाके गिरा है, तो इसका मतलब है कि फिर वो 56 मीटर का ये बाउंड्री होगी। नहीं, और बाउंड्री जो है, बाउंड्री बेंगलुरु की जो बाउंड्री है वो छोटी है, बहुत छोटी, पीछे जो है 51 मीटर है और सामने जो है 61 मीटर है। बेंगलुरु जो है वो छोटा स्टेडियम है, अहमदाबाद जहाँ हम लोग खेल कर रहे हैं। इफ्तिखार ने ऑस्ट्रेलिया से, जब मुझे याद आया जब ऑस्ट्रेलिया से मैच था, इफ्तिखार ने कहा था लास्ट जो हमने उसमें जीता है, क्या कहते हैं सीरीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया जाके खेला है, इफ्तिखार ने कहा था कि ये जो 100 मीटर्स की बाउंड्री है या 110 मीटर्स की बाउंड्री है ये कोई बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, मैं मारूंगा छक्का, और इफ्तिखार ने मारा भी था। मेलबर्न की बाउंड्री यहाँ क्रॉस करना इफ्तिखार का काम था, और आज तो मुझे लगता है बाकी भी सब छक्के मारेंगे। लारे खालिद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई। देखिए उम्मीद लेके आए, और सर नेवर लूज होप, बस यही बात हम कर रहे हैं कि यार अभी मैच बाकी है, 50 ओवर रहते हैं, पूरा मैच बाकी है, बस वो एक चीज है ना, वो कैचेस विन मैचेस, वो हम पे लागू नहीं होता, पर ये क्या इंशाल्लाह ताला लेट्स सी क्या होता है। क्यों नहीं लागू होता लारे, इतने कैचेस आज ड्रॉप हुए हैं, आपको क्या लगता है? सर पहला वाला कैच इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके बाद तो मोमेंटम बन गया था ऑस्ट्रेलिया का, मगर ये है कि पहला मैच था, प्रेशर होता है, आप ग्राउंड की फील ही अलग होती है और टेबल टॉक अलग होती है, बट लेट्स सी के मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ कि पाकिस्तान ने जब हाईएस्ट रन चेस किया वर्ल्ड कप में, तो ये अपना ही टारगेट सरपास कर जाएंगे और इंशाल्लाह ये चेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 20 ओवर पहले थोड़ा सा रन रेट कम हो, बट लॉस ऑफ विकेट नहीं होना चाहिए, हाँ, तो विकेट से होना चाहिए, बट ये कि हमारे को हमें स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने एक फ्रंट फुट पर आके खेला है, और इसी तरीके का प्रेशर पाकिस्तान भी दे। और इमाम उल हक का जो है ना, वो आज का दिन यही है कि जितनी उन पे तनकीद गई है ना, तो वो आज पेपर पे वो रब ऑफ करें और बोले कि नहीं भाई आई एम। देखिए आप कुदरत मौके कितने दे रही है इमाम को, कि फ़खर की बात हो रही थी, फ़खर की नी इंजरी हुई और फ़खर की बात बिल्कुल बंद हो गई और इमाम को एक और मौका मिल गया। अभी भी इमाम अगर, हालांकि वो वनडे में अच्छा, उनका एवरेज देखें बड़ा ज़बरदस्त है, 50+ की एवरेज है, सही बात, लेकिन उसके बावजूद अब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना होना, तो फिर कहाँ परफॉर्म करना है, ना गली में कर सकते हो ना घर में कर सकते हो, इतना बड़ा ये इवेंट है, अगर यहाँ पे भी हम जो है वो नहीं कर पाएंगे तो व्हाट्स नेक्स्ट। अगर आप शुरू के 12 ओवर देखें ना ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के क्लोजली अगर आप देखें, तो जब मार्श और जब उनका चैट होती है वार्नर की टूवर्ड्स दोनों बैट्समैन की, तो उनका जो है ना वो मोटो यही था कि इनको हर बॉलर को अटैक करना है, तो वो लोग अपने बिल्कुल उनके इशारे दिख रहे थे कि देवर लाइक के यार अभी दो हमने बॉल रोकी है, अगला 6 एडवांटेज था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को, क्योंकि डेविड वार्नर ज्यादातर इंडियन पिचेस पे खेला हुआ है, पाकिस्तान नहीं खेला है, 90% उनके जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेले हैं और इन्हीं ग्राउंड्स पर, और ये मैक्सिमम जो ग्राउंड्स हैं उनके वो हैं आईपीएल के लिए, छोटी छोटी बाउंड्रीज के 200 सर। देखिए आप छोटी बाउंड्री जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए तो पाकिस्तान के लिए भी है, बट फिर भी जो हम अगर ग्राउंड रियलिटी पे रहें, तो हमारे पास कोई इफ्तिखार चाचू के अलावा स्पेसिफिक कोई हार्ट हिटर नहीं है। अब अगर हम बुक पे लिखते तो हैं कि चाचू हमारे जो है ना वो हार्ट हिटर है, मगर वो हार्ट हिटिंग उनकी वर्ल्ड कप में ऐसी एज सच दिखी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाम कहा आपने, चाचू, क्या क्यूटनेस दिखी है आपके अल्फाजों में, चाचू, हमारे प्यारे चाचू, हमारे प्यारे चाचू, हमारे प्यारे, वरना इससे पहले तो इफ्तिखार चाचू सर ही है सर, वो हिमसेल्फ जो एक ब्रांड है उनके, अगर आप शू के राइट कॉर्नर पे अगर आप नोटिस करो तो इफ्तिमेनिया इम्पोज हुआ है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर कर आए नारे बाद नहीं नहीं मैं भाई जरूरी है, और वर्ल्ड कप इज द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल, तो वो अब आज का मैच जो है ना वो बाकी के जो हमारे रिमेनिंग मैचेस हैं और बाकी की सारी जितनी टीम्स हैं
इफ इट्स अ विन इंशाल्लाह ताला तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा कि बाकी टीम्स जो है ना अब वो अपनी आयर अप कर लें कि भाई पाकिस्तान इज बैक इन द फॉर्म। और बाकी लोग जो है तकरीबन हमारी आवाम जो है ना वो हमारी बॉलिंग को परसुएड करती है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है, मगर स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो टेबल पे बैट्समैन हमारे टॉप 10 में, इमामुल हक की बॉलिंग टॉप 9th बैट्समैन है, बट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अब वो उनका दिन नहीं चल रहा हो, मगर आज उनको अपना दिन अगर नहीं भी चल रहा है तो मेहनत करके बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। आज वो दिन के बजाय आज शाम चला लें ना, आज वो किस्मत से लड़ जाए, रात चला लें, आज वो इतनी मेहनत करें वो लड़ जाए किस्मत से, किस्मत से लड़ जाए। उनको इतने बड़े चांस उनके उनके चाचू इंजमाम लाकर कर दे रहे हैं तो फिर उस चांस का फायदा उठाना चाहिए। मास क्या लगता है यार 368 प्लस? मैं आपको ये कहूँ कि 368 प्लस अभी पापा से ही मैं बात करके आ रहा था कि क्या लगता है पापा आपको कौन जीतेगा। पापा ने पहले तो ये बोला कि यार मुझे लगता है कि कोशिश अगर पूरी की पाकिस्तान ने तो जीत गए, अगर कोशिश नहीं की तो फिर समझे मैच तो बढ़ गया। कोशिश ना की तो हमारा कौमी खेल हॉकी है। 80% जो है ना पाकिस्तान वहाँ सस्टेन करेगा अगर यहाँ से सुकून से खेलेंगे, बस एक ही चीज़ डोमिनेट यहाँ से कर सकते हैं अभी ऑस्ट्रेलियन को, क्योंकि देखें अभी वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉल करने वाले, क्योंकि वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क से अच्छा और कड़क बॉलर कोई नहीं है स्टैट्स के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे। तो बस यही है कि इसको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। और इमामुल हक को देखें, बाकी सब टीम ने वर्किंग की हुई होती है, अपने पूरा होमवर्क करके आती है, सबको पता है कि इमामुल हक पुल पे वीक है, तो वो लोग इसको जबरदस्ती खिलवाते हैं ये बॉल कि कहीं निकल लगे, बाहर जाती हुई गेम को उन्होंने जरूर खेलना होता है इमाम ने, और वहां भी उन्होंने स्लिप पे और इसके लिए स्पेशली स्लिप रखी होगी। सर आज सारा एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा इनको, और जो है ना वो एक स्टेटमेंट देनी है। मैं तो बस इसी पे हूँ कि पाकिस्तान आज स्टेटमेंट दे बाकी सारी टीम्स को कि भाई हमने ही पहला टारगेट चेस करा है वर्ल्ड कप का, इतने सालों बाद भी हम दूसरा हमें भी कर एक देंगे। एक चीज पे हम मैं और लारे आ गए हैं एक ही पॉइंट पे कि कम अज कम बस ये है कि सुकून से खेला जाए, से पहले 10 ओवर नहीं हम छक्का लगा सकते ना लगाए, विकेट नहीं देनी, रन रेट थोड़ा पहले लो हो, बट ये नहीं खेलना है कि 30 ओवर के बाद ही जी मारेंगे हम लोग, मगर विकेट स्टेबल रहे, अभी विकेट ना जाए, अर्ली विकेट ना मिले बस ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान मैच जीतने वाला है? मास ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। हम इतनी उम्मीद लगाते हैं और फिर हार जाते हैं, बैड लक हो जाती है, बट आज भी उम्मीद लगाते हैं, क्या पता आज जीत जाए हम लोग इंशाल्लाह, और बस सपोर्ट करेंगे मिलके यहीं बैठ कर। मास वैसे आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं? मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ, बैटिंग अच्छा भी कर क्या लेता। करते हैं अच्छी बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं रनिंग अच्छी करता है मैं जब आउट हो जाते सारे तो फिर रनिंग भागने का काम बताए ना बॉलिंग या बैटिंग। मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ। आप बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने धुलाई की है पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो एज अ बैट्समैन आपको क्या लगता है कि जो हमारे ओपनर्स हैं उनको किस तरह खेलना चाहिए? सर सेम उसी तरह खेलना चाहिए जिस तरह इंडिया खेलता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है उसी तरह हम लोग को भी खेलना चाहिए। मतलब हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए जो कि स्टार्ट से ही मारें, बस लाइक मैच को संभल के खेलें, देख के खेलें, लेकिन उनके ग्रिप इस तरह हो कि वो कोई भी लीक पॉइंट ना दे अपना, लाइक कैच ना हो जाए, आउट ना हो जाए, रन आउट हो जाते हैं, पैड पर लग जाती है, तो उस तरह खेलें कि जैसे इंडिया खेल रहा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने आज खेला है, स्टार्ट से मारा है। पाकिस्तान को पूछ रहे थे ना कि कैसे खेलना चाहिए, तो मास मुझे लगा शायद ये कहने लगे जैसे मैं खेलता हूँ, बिल्कुल वैसे खेलना चाहिए। पूरी उम्मीद बना दिया भाई, मैं आने से पहले सोशल मीडिया देख आया हूँ, जो हालात वहाँ जा रहे हैं कि पाकिस्तान पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया यार, बैटिंग विकेट है यार, अगर वो exactly. लोग स्कोर कर रहे हैं तो हम लोग भी स्कोर करेंगे। जबरदस्त सही, आपने स्प्रिंट चाहिए सही, आपने इंडिया के टाइम क्यों नहीं बोला, जब भी बैटिंग बिच दी जब हमने कुछ नहीं उस वक्त हमारी बारी में बॉलिंग बिच हो गई। देखिए वो दोनों साइडों से ना सिर्फ इंडिया के पिच थी बस, हाँ ये बात। अच्छा जब बॉलिंग करती उनकी पिच आ गई, बैटिंग बस इंडिया की पिच थी। अच्छा वेलकम वेलकम आमना, वेलकम वेलकम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाहिद लड़की ऐसी थी जो गेम शो और खुशराव में के क्रिकेट के ऊपर ना ये सबसे ज्यादा जोशीली रहती थी। अच्छा यही वजह है कि आमना फोकस रहती थी। आमना के दो दो हॉट टॉपिक्स होते हैं, एक बकरा ईद और एक क्रिकेट। बैटिंग दे देनी चाहिए थी, फ्लैट पिच है, लेकिन इस मैच में एक चीज ग्राउंड पे है कि एवरेज स्कोर जो है वो 303 है फर्स्ट इनिंग का, एवरेज स्कोर भी 303 है, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, बैटिंग पिच है, और इसको आईपीएल में भी ठीक ठाक बैटिंग पिच के तौर पर रखा जाता है, और आज भी, लेकिन पाकिस्तान चेज कर सकता है 300
43 कर सकता है तो ये आपकी 360 आईपीएल वाली बात जो है ना वो साफ नजर आई है आज वार्नर की बैटिंग में, बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ। लेकिन एक चीज आप ये देखें कि पाकिस्तान अगर कैश ड्रॉप ना करता, अब दो ओपनर्स के अलावा किसी ने भी यार स्कोर नहीं किया, ये तो आप देखें ना कि बाकी को स्कोर करता, को रुकता, को आगे खेलता, बेहतरीन शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट। अच्छा तो आपको नहीं लगता कि हारिस रऊफ को, बाबर आजम को चाहिए कि स्टार्ट के ओवर्स में ना लेके आए, थोड़ा सा नीचे रखे, क्योंकि डेथ ओवर्स का बहुत अच्छा बॉलर है। डेथ ओवर्स का बॉलर बिल्कुल अच्छा है, आपसे अग्री करता हूँ, पर एसन भाई मसला सारा ये है ना कि हमारे पास अभी देखें बॉलर नहीं है, ठीक है हमारे पास, और अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वाइड टीम है जो तीनों फॉर्मेट्स में ODI T20 टेस्ट में तीनों अलग टीम्स खिलवा सकती है, हमारे 15 ही करने में हमें टाइम लग जाता है, बिल्कुल, और उसमें ये डर रहता है यार ये डाइव मार के इंजर्ड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ही है। तो अब क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया में बहुत अच्छा खेलता है, इसीलिए हारिस पे बहुत भारी रहते हैं। जबरदस्त इमाम को जगह बनानी पड़ेगी यार, टाइम कर रहे हैं हम, टाइम कर रहे हैं। अच्छा ये यहाँ चलता रहेगा, प्लीज कंटिन्यू करें, नहीं बस ये कि पाकिस्तान को चाहिए करें एक-एक बॉल, एटलीस्ट सिक्स मार रहे हैं, वो लोग सिक्स ही नहीं मारते हैं। हर बुराई का करेगी सामना आमना सबर। माज आपके ख्याल में क्या आप कहना चाहेंगे आज बाबर आजम की कैप्टेंसी के हवाले से, सिर्फ बॉलिंग क्योंकि फर्स्ट इनिंग बॉलिंग के हवाले से? मैं यही देखता हूँ सोशल मीडिया पे यही चीज आ रही होती है कि बाबर को ओवर्स जो है ना वो खिलाने नहीं आते सही तरीके से, ठीक है, लाइक कभी भी वो किसी को भी बोलते हैं कि बॉलिंग कर लो इस तरह से, तो मैंने यही देखा है और मैं इस चीज़ पे ही बोलूंगा आपको कि मुझे भी यही शायद लगता है जिस वजह से हमें इतना स्कोर हो जाता है और हमें विकेटें नहीं मिलती हैं स्टार्ट में, तो वो चीज़ का एक है बस। एज अ व्यूअर अगर आप देखो ना, आप भी अग्री करोगे सरोज भाई के हमारे कैप्टन जो हैं, ऑल रिस्पेक्ट टू बाबर आजम भाई, हमारे कैप्टन है नेशनल टीम के, बट ये कि कोई और टीम खेल रही है, कैप्टन कैमरा में हाईलाइट हो रहा होता है, सबसे कम टाइम फ्रेम बाबर आजम का आ रहा होता है जब हमारी फील्डिंग चल रही होती है, अगर आपने नोटिस करा हो, क्योंकि वो लग रहा होता है कि उनका कोई ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ नहीं रहा या वो एग्रेसिव। अब आप देखें अगर आपकी आखिरी टाइम्स में बिल्कुल विकेट्स हमारी शैलो ऑफ डाउट यूं गई हैं ऑस्ट्रेलिया की, अगर यही एटीट्यूड पाकिस्तान का शुरू में होता तो स्कोर कहाँ होता, 10 रन पर अगर वार्नर का कैच होता तो ये 368 होता। लेकिन आपने जो पहले बात की कि बाबर आजम को सर ये देखें तो आपका क्या मतलब कि क्या हमारी टीम यूनिटी खत्म हो गई? देखें नहीं यूनिटी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड की प्रेजेंस की। ओके प्लेयर जब खड़ा होता है ना जैसे तो उसका एटीट्यूड, अब धोनी है चुपचाप खड़ा होता था मगर उसकी स्ट्रेटेजी बात करती थी कि क्या करा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे सर। ये जो आज उसामा मीर को खिलाया ये पिछले मैच में खिलाना चाहिए था, धोनी की साइलेंस जो है वो शोर करती थी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन ये है कि बाबर आजम आप देखें ना यंग है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग का बहुत मसला आ रहा है इस वर्ल्ड कप में, बॉलिंग कर सकता है ना हर जगह पे, फील्डिंग कर सकता है ना, सही बात। ये तो इशू एक है कि कैप्टन, फिर हमेशा मसला ये होता है कि नजला आसान होता है कैप्टन पे गिरा, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो सरफराज पे गिरा लो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो उससे पहले वाले कैप्टन्स हो, तो इजी होता था, जैसे हम लूज करते हैं। सर भाई आपने कुछ कह रही थी आपसे क्या नहीं, नहीं, नहीं भाई कैप्टन है ऑब्वियस बात है, तो कैप्टन का काम होता है पूरी टीम को लेके चलना, सब कुछ करना, तो अगर कैप्टन ही गलत डिसीजन लेगा चाहे वो टॉस में ले या फील्डिंग में ले जिसमें भी ले, तो आवाम कैप्टन को ही बोलेगी, प्लेयर्स को नहीं बोलेगी। आप ना हटा देना बाबर आजम को, क्यों नहीं हटा रही हैं आप? लेकिन बाबर आजम को मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल थॉट है कि बाबर आजम की जगह किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। रिजवान और शाहीन। अच्छा नहीं मैं यहाँ पर एक बात करूँ, अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट देखी हो, आई गेस हमारे बीसीबी की किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट थी कि अभी हम देखेंगे, अब देखें अभी ये मिड ऑफ द टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, अगर आप में से भी कोई खेल रहा हो और एक स्टेटमेंट आ जाए ऑफिशियल्स की तरफ से कि भाई अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं हुआ तो हो सकता है हमने कैप्टन चेंज कर दें, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं कैप्टन का इसके अलावा। और दूसरी जगह पे अगर आप ये देखो तो कैप्टन हमें चेंज करना यूं भी जरूरी है कि देखें बाबर आजम एक अकेला अच्छा परफॉर्म हो तो तनकीद, बुरा परफॉर्म हो तो तनकीद, तो और एक नेशन का प्रेशर अलग, प्रेशर ये बड़ा मसला है। प्रेशर पिछले मैच में आप देखेंगे एक बंदा 50 करके गया, बाकी किसी ने कोलैप्स कर गया, अब सारा नजला बाबर पे गिरा लो कि भाई इमाम ने स्कोर नहीं किया, अब्दुल्ला गलत शॉट खेलते हुए आउट हो गया है, रिजवान आउट हुए, उसके बाद चाचा ने कहां से घुमा के बॉल वापस अपनी विकेटों में लेके आए, चाचा कह रहे बाहर से बाईपास से आती हुई बॉल को वो विकेटों में लेकर आए,
तो भाई ये सारी की सारी चीजें कैप्टन पे नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती। अब एक बड़ी अच्छी बात वगैरह कहते इस एज में जाके आपको टेक्निक्स के ऊपर तो काम हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोचेस पूरी क्रिकेट आपको सिखाएं जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं। बाबर अगर 112 है तो बाकी लोगों को भी 80, 70, 40, 50 मैचेस जरूरी है। देखिए 11 बंदे खेल रहे हैं और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, एक बंदे पे नहीं डाल सकते। कैप्टन ऑफ द शिप कौन है? देखिए कैप्टन ऑफ द शिप, देखिए लीडर को लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए कैप्टन ऑफ द शिप अगर उसी पे शॉट यार बहुत कमाल लग रहा है, बहुत आला जो है वो बाबर जैसी शॉट मार खेलने का, ये कवर टाइप करने का। एमडी आबिद बोल रहे हैं कि आज मुझे लगता है कि अपना अब्दुल्ला 100 स्कोर कर देगा, कर देगा ठीक है आमना, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा भाई गुलाम रसूल कब पड़ेगा? मैंने अभी कमेंट पढ़ा है कि गुलाम रसूल भाई बोल रहे हैं आप लोग जो सैंडविच खा रहे हो ठंडा है गर्म है? ठंडा है, अच्छा वैसे ठंडा है। यहाँ बैठे हुए हम सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, हम कह रहे हैं मास जो है वो कह रहे हैं कि आउट होगा, कुछ होगा। आपको क्या लगता है, आप चाहते हो कि पाकिस्तान हार जाए? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते और जिस तरह खेल रहा है इस तरह ही खेले बस, मतलब पूरा स्कोर नहीं, अगर इस तरह खेलेगा जीतेगा, नहीं खेलेगा, स्कोर देखो बहुत ना ना इस तरह खेलेगा जीतेगा, आप देखना अगर इस तरह खेलेगा। देखें भाई अभी जो है वो काफी है, बिल्कुल देखें डरने की बात है। जैम्पा जो है ना वेल्डिंग वाले ग्लासेस पहन कर आ गया, इतना वेल्डिंग वाले ग्लासेस, ये मसला ना हो जाए कोई। ओ मैं शाबाश शाबाश, 3 दिन और है, मुझे लग रहा है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे पे हमने करना है जब चौका। मुझे लग रहा है सर ये सैंडविच जो है वो 12 बाइट्स है मगर एक छक्के में ये 1 बाइट समझ के खा जाएंगे। नहीं मैं काम करते हैं पहला बाइट ऐसे ही ले लेते हैं। नहीं यार नहीं मैं हो सकते हैं आप लोग भाई अभी लो तो चौका लग जाए ना, नहीं नहीं ले लो चौका लग जाएगा, मैं आप लोग बाइट लेते हैं चलो ट्राई करते हैं। 60 रन पे आप लोग ले सकते हैं पहला बाइट चौका, बिना आउट के भाई 60 रन हो गए सर। मैंने चौका बोला वैसे तो अगर चले चौका के हाफ हो जाएगा, बहुत स्लो हो गई, बहुत स्लो। अगर आपने जल्दी खत्म करना है तो हर डॉट बॉल पे खाएं, बहुत जल्दी खत्म होगा फिर तो सारे खत्म हो जाएंगे, सब खा जाएंगे। अच्छा मुझे जितनी स्पीड में जो खाएंगे वो वापस यहाँ से जाएंगे। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। ओ भाई और ये और अब्दुल्ला शफीक बच गए हैं, छक्कों पे खुश नहीं हुए, ये डोरी पे ही पकड़ा है यार, फिर भी धक्का तो था, कैच पकड़ लिया, कैच पकड़ लिया छोड़ दिया, चांस दे रहे हैं दो बाइट। एहसन भाई जी वार्नर का कैच छुटा, वार्नर ने मारे 168, अब्दुल्ला का कैच छुटा कितने मारे? 200 मारेगा ये मेरा एहसन गालिब, ये ख्याल रखें 80 से 100 तक कर जाएगा अब्दुल्ला, मुझे जो लगता है 100 कर जाना चाहिए, दोनों ओपनर को 80 प्लस स्कोर करना चाहिए। गौतम गंभीर की ये स्टेटमेंट थी कि बाबर आजम ने जो है ना वो थोड़ी इन शॉर्ट आप ये कह लो कि आसान आसान वर्ड्स में कि थोड़ी सी डरपोक इनिंग्स खेलता है, ठीक है, और उस वो थोड़ी एक तो डरपोक बैकफुट पे खेलता है और बैकफुट पे और अपने लिए खेलता है, सेल्फिश है। क्या आप सेल्फिश कहना चाहते हैं? मैं हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, मैं गौतम गंभीर की बात आप हाँ ये देखें ये उसकी स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग, मतलब गौतम गंभीर नो डाउट एक इंडिया का ओपनर था लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं एक्स क्रिकेटर्स हैं वो दूसरे प्लेयर्स के बारे में ऐसी बात नहीं करते, दूसरे टीम के कंट्रीज के जो लोग होते हैं एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो हमारे पे इतनी तनकीदें कर रहे होते हैं। बाबर आजम को डरपोक कह दिया, पांड्या का ही स्टेटमेंट नंबर 1 ओडीआई प्लेयर हमारा, मैं को बताता हूं उनको रीच मिलती है सर ऐसी स्टेटमेंट से, अच्छा व्यूअरशिप यस रीच मिलती है उनको। अब आप पॉइंट इज ये बात करते रहो समझो, पॉइंट इज ये तुम करते रहो रीच मिलती है, जहां व्यूअरशिप की बात आएगी वहां मास बोलेगा। कि मैं पहले दिन भी यही कह रहा था पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, एग्जैक्टली ये कहना चाहता हूं पॉजिटिव प्लेयर्स पे। अब देखें ना मैं बताता हूं ये अब ये गलत बात है कि अगर पाकिस्तान ने जो चेस करा पाकिस्तान को सबने यहां बिठा के चढ़ा के अगर डिसअपॉइंट किया, आप अपने प्लेयर के इतना अगेंस्ट इतना बैश करते हो, आप दूसरे चैनल पे बैठे हुए आप भंगड़े डाल रहे हो, यूं यूं करके शुरू हो रहा है पूरा उनका स्क्रीन चल रहा है जब पाकिस्तान हार गया, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की टीम से पूरी टीम को है ही नहीं यार। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रेडियो पे आज कमेंट्री आपको पता है एक रेडियो करता है, उस रेडियो पे जब टॉस मैं सुन रहा हूँ कहते कि अगर टॉस हो तो यहाँ पर पाकिस्तान को, उस वक्त भी पौना एक कप टाइम था, कहते पाकिस्तान को यहाँ पर बॉलिंग लेनी चाहिए। मैं उसके बाद ब्रेक हुआ प्रोग्राम था मेरा, मैं करके निकला, जब वो पिटाई कर रहे हैं और दोनों ओपनर लगे हुए हैं, स्कोर 200 के करीब पहुंच गया,
बड़ा अजीब फैसला किया है कैप्टन ने, वही बंदा कह रहा है, वही बंदा बोला मैं रेडियो पर दोबारा सुन, मैं घर वापस आ रहा ऑफिस, वो कहते क्या फैसला किया इस 303 रन इस पे एवरेज है, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। मैंने कहा यार ये क्या है कि अभी आपको मैंने पौने एक पर सुना, मैंने सारी मैच की बात इग्नोर करके मुदस्सर भाई की एक बात पे नोटिस करा कि उन्होंने इनडायरेक्ट अपने आपको शाउट आउट दिया कि मैं दूसरा शो कर रहा था, तो लाजमी देखिएगा दूसरा शो शो देख रहा था, वो देख लिया लारे, वो देख लिया भाई, वो टॉस के दौरान हुआ है, बस देख ले भाई टॉस के दौरान इनका एक शो आ रहा था, वो लाजमी देखना। अच्छा वैसे एक बात बताएं, जब शो में जाते थे पाकिस्तान जीतता था, अभी ये दो जीता ना, जीता है बस, आज भी जीते इंडिया, इंडिया वाले दिन हार गए, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कराची में शायद बारिश हो रही है, हमारे क्रू मेंबर गीले होकर आए हुए हैं, वो पिक्चर आने वाली है, जॉर्डन ही बोल रहा है पिक्चर आने वाली है, पिक्चर आने वाली है, पिक्चर पिक्चर भाई बिल्कुल बिल्कुल, मीम आने वाला है, नहीं नहीं मीम नहीं आने वाला, पिक्चर आएगी। ये एक पिक्चर थी के ये भाई साहब जो कंटेंट क्रिएटर हैं इंडिया के कहलाते हैं, कि इन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल किया जून 27 को, यस, और जब मौका मिला कि यार मेरे व्यूअरशिप आएगी ये चीजें आएंगी, बाबर आजम को उन्होंने लेके पंजाबी डायलॉग्स पे वीडियो बना दी 4 अक्टूबर को, पूरा इंडिया फैन है बाबर का, पता है आपको पूरा इंडिया तारीफ करता है सबका, अभी वो कहता है ना लेवल ही और है, सारे प्लेस के ऊपर सबने अपनी दुकान चमकानी है, बिल्कुल सही है। आप देखे थे बाबर आजम जब पवेलियन से आता है जाता है, तो जितने भी कैमरामैन वगैरह हैं उसकी नजर सिर्फ बाबर आजम पे यूं होती है, यूं है बाबर आजम का बहुत क्रेज है इंडिया में बहुत ज्यादा, पता नहीं है ना कि पाकिस्तान अब हमारे प्लेयर्स वापस कब जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद इंडिया खेलने के लिए, क्योंकि वो तो आते नहीं है, बिलैटरल सीरीज के लिए भी गए थे पर इंडिया ने जो है वो अग्री नहीं करा कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसे मामलों मैं ये कहता हूँ इंडिया की टीम टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास टीम है नो डाउट, टूर्नामेंट खेलने में डरते क्यों हमसे, सीरीज खेलने में क्यों घबरी होती है उनको, ये बात है, बात है घबरी क्यों होती है, बहुत जबरदस्त आपने सवाल, उनकी जूनियर हॉकी टीम आती है ना, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, उनकी आई है ये बात, स्कॉच के प्लेयर उनके आए हैं, कितनी सारी सब लोग आते हैं, वीजे पाकिस्तानी टीम उधर जाती है, चलो आप देखें कबड्डी की टीम उनकी यहाँ आ रही है, वॉलीबॉल की टीम उनकी आ रही है, जूनियर हॉकी टीम उनकी आ रही है, पाकिस्तान जा रहा है, सब कुछ है, ना क्रिकेट के जो ये टीम है ना उनके साथ इधर आएंगे ना पाकिस्तान को बुलाएंगे। मेरी स्टेटमेंट से शायद बहुत सारे लोग अग्री नहीं करें, मगर मैंने एक चीज नोट करी है कि इंडिया की टीम को हार बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी हो उनको हार बर्दाश्त नहीं है, टीम को क्या आवाम को भी नहीं, उनकी आवाम पागल, हमारी आवाम हार्श होती है, तनकीद करती है, ठंडी हो जाती है, वहाँ उनके लिए मैं बोलता हूँ हाँ भाई तुम जीत जाओ, क्योंकि उनके तो घर जलाने पे आ जाते लोग। और ये जो अभी बात हम पहले कर रहे थे, यही बात अगर आप ज़ैनब अब्बास पे देखें, 7 साल पहले किया हुआ ट्वीट, 7 के 10 साल पहले, 7 साल हाँ वो किया हुआ ट्वीट, और उसके साथ क्या किया, और उस वक्त वो आई भी नहीं थी, अभी आई भी नहीं थी, वो मेरा ख्याल है कुछ बनी भी नहीं थी, एक टीवी चैनल पे उन्होंने पूछा रहे उनका ही स्टार्ट की थी ज़ैनब ने, और उस वक्त उसके भी बल्कि बाद में उसके बाद फिर वो PSL और इंटरनेशनल कमेंट्री में आई, अदरवाइज ये बहुत पहले की बात है, अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत से लोग बहुत सी ओ भाई कैच हो गया, ओ यार कौन गया बाबर, बाबर ही क्या शॉट खेला यार, इलॉजिकल बनता ही नहीं था, खेली है यार बनता ही नहीं था, आपको पता चला मैं क्यों बोल रहा था, अब आपको पता चला यार कहाँ शॉट खेले बाबर, यार कहाँ शॉट खेले, जबरदस्ती के शॉट, ये बात है देखो लोग इसको बोलते हैं किंग है, ये कहाँ का किंग है भाई बताओ ना, अब बताओ मुझे करो क्लियर करो ना, पता फील्डर उसने वहां लिया बनता ही नहीं, खेलने का भाई से डिसएग्री करूंगा मैं, शहरोज भाई की बात डिफेंस कर ले करूंगा मैं, मुदस्सर भाई की बात से डिसएग्री करूंगा, आप कह रहे थे ना ये बाबर आजम वो बाबर आजम, वेयर इज बाबर आजम यार, कहां का किंग है ये आप मुझे बताओ ना, इतना तो आप इसको फिर किंग का तब क्यों कह रहे थे जब T20 में सेमीफाइनल में ले गया पाकिस्तान को, फाइनल में ले गया जब ये नंबर 1 पे आया, अच्छा आप उस वक्त भी नहीं कह रहे थे जब वो खेल रहा था तब भी नहीं कह रहे थे, यार सब छोड़ो यार लड़ो, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात यार फराज इस साइड पे अफसोस हो रहा है बाबर आजम, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा वाकई अफसोस हो रहा है इस टाइम पे, इलॉजिकल शॉट, अब देखो कल विराट कोहली और बाबर को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है विराट कोहली का मशहूर है कि वो चेजर बहुत अच्छा है, विराट कोहली आता है हमें पता है कि यार 80% चांस है कि वो चेज करेगा, ठीक है 20% है नहीं करेगा, अभी बाबर के टाइम पे और इन लोगों के टाइम पे हम क्यों ऐसे डामाडोल होते हैं, ये चेजर कब बनेंगे, मतलब यार देखें भाई कंसिस्टेंट प्लेयर है विराट कोहली, मैं तो कंपैरिजन नहीं करता, बस कमर्शियल करवा लो, नेदरलैंड के खिलाफ भी ऐसी आउट हुए बाबर, यही सेम ये इलॉजिकल शॉट था, मतलब बनता ही था, वो फील्डर लेके खड़ा है बना के बहुत दिया शॉट के लो, बहुत बुरा शॉट था, अपसेट उसको उठा के ऊपर से खेले था, वाकई में डाउन खेला कि वो कैच आ गया, अच्छी बॉल नहीं गलत शॉट पे आउट हुआ है, खराब बॉल शॉट खेला यार, बॉल भी सब कुछ अच्छा था, शॉट गलत खेला तो फिर पता चले
सर आप देखें ना, आप सऊद शकील आएगा उसको रोक, उस वो टाइम लेगा अपना, रन रेट फिर पड़ेगा। सऊद शकील हार्ड हिटर नहीं है, वो आके सेंसिबल नहीं खेलने का कोशिश करता। ये वो सिचुएशन थी कि आपको प्रूफ करना था कि भाई मैं हूं, हां मैं हूं और मैं अपनी टीम को आज मैच संभाल लूंगा, ऐसा ही है। और आज करना था ये ना, इस वजह से मैं बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, अगर आपने सर आपने बॉलिंग देखी, पाकिस्तान की फील्डिंग देखी, तो उनके बड़े वीक पॉइंट्स मुझे नजर आए, मैंने पूरा मैच देखा है बैठ के। तो आपने जब ऑब्जर्व कर लिया तो फिर आप बता सकते हो सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सारे लोग एक पेज पे थे, मैं अलग था, मैं क्यों निकला शॉट खेला, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आज। अभी पता होगा क्या, अभी पता प्रेशर में आ जाएंगे, अब आ जाएंगे अभी प्रेशर में, एक विकेट। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अभी आप लोग बोले थे हारिस भी है, ये भी है, यही होता है फिर, अभी हार भी है। भले मजाक की बात है, लारे मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर हरी वर्दी है और नीचे नीली वर्दी है, ठीक है भाई, देखो मैं बोलता हूँ जो बंदा अच्छा खेल रहा है आप उसकी तारीफ यार करो। देखो वो सारी बात सही है, खेल रहा है आप उस पर तंकीद करोगे और आप उसको गलत बोलोगे। भाई मैं क्रिटिसिज्म के अलावा ये बोलता हूँ कि अपने प्लेयर को बैक करना चाहिए, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि अभी बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में जो इनका बड़ा बोल है ना वो आड़े आ गया, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले बोल दिया था। पाकिस्तान का जो अभी जो रिसेंट मैच हुआ ना उसमें अभी लाइव मैच चल रहा है, दिखाएं प्लीज अगर आप दिखा सकते हैं, एक वीडियो का स्क्रीन शॉट है। अच्छा हाँ अभी चेक करते हैं, क्या कहते हैं, हमारा एक फैन है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और वहां पुलिस आ गई। यार वो देखो यार, ये देखो अभी उसको रोक रही है, ये कितनी गलत बात है यार, पाकिस्तान वाचिंग पाकिस्तान्स मैच कैन नॉट से पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुदस्सिर भाई आज के मैच कहा जाता है कि बहुत ही सेकुलर इंडिया है, झंडे झंडे अलाउड बदल रहा है, इंडिया सोच बदल रही है, सही ना, यहाँ चला गया वहां चला गया, चांद पे चला गया, पीढ़ी पीढ़ी बदल रही है यार, माइंडसेट देखो अब, अभी भी वही माइंडसेट है उनका, ये पता नहीं कि इनको भाई आईसीसी का, पाकिस्तान नहीं आया, मुझे बताओ आईसीसी का चौका लेकर सऊद शकील ने यार, थोड़ी सी मोटिवेशन का माहौल, रिलीफ रिलीफ रिलीफ, अभी हाथ हल्का ही लेगा, हल्का सा ही लेगा भाई, सऊद शकील को आज बड़ा मैच खेलना है अब्दुल्ला की तरह, इंशाल्लाह। हमारे पास एक मतलब बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं, हमारे टूर ज्यादा होने चाहिए और उसमें नए लड़के भी खिलाने चाहिए, अपने सीनियर्स को रेस्ट भी देना चाहिए के नसीम कॉन्सिक्वेंसेस आए, नसीम शाह बैठ गया और जगह जगह की ये लीग्स ना खेलें, इतनी लीग्स ना खेलें, इतनी लीग्स ना खेलें ना यार भाई, देखे इतने इतने भी अपने बैंक ना भरे, 5 लाख के बाद तो बैंक ने भी गारंटी देना बंद कर दिया अब। अच्छा ये आपने बैंक की एक बात की, तो आपने जो सवाल किया था ना कि अकरम या वो, तो हमारे एक और बड़े अच्छे बॉलर है जिनका मैं तो बहुत बड़ा फैन था, आई मीन अभी बॉलिंग का हूँ, अब वो खेलते नहीं, मोहम्मद आसिफ, जब बात नहीं उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था जितने आप मिकी ऑर्थर को दे रहे हो 40 लाख रुपया उतने मुझे दो, 11 लाख 5 लाख और ज्यादा उससे, हाँ हाँ उन्होंने सीधी बात की थी और लॉजिकल बात थी, तो वही माज वाली बात आ गई। लेकिन पैसे नहीं है, क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है कि क्रिकेट बोर्ड को डर लगता है कि आसिफ जिन कामों की वजह से निकले हैं वही काम रेप्यूट पे बात टीम को ना लगा। अच्छा ये एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि यार कोई गोरा है ना उसको दे दो 40 लाख, अपना कोई है ना उसको 10 लाख से ऊपर नहीं, तो मेड इन पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब मिसबाह और यूनुस थे उनके पैसों के रोजाना बात होती थी, इनको इतने पैसे मिल रहे हैं, अच्छा नहीं हमारे मिसबाह और यूनुस आज जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है उनसे कितने बड़े प्लेयर दोनों, और आज आप मॉर्निंग मॉर्कल है वही है ना मॉर्कल जिसको अब्दुल रजाक ने मार मार के मैच हारा हुआ जितवा लिया, दोनों भाइयों को दोनों मॉर्कल को वो आज सूरत हाल। लेकिन हम आपकी बात सही है, गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। अच्छा मुदस्सिर भाई एक मैं इख्तलाफ करूंगा आपकी बात से, भी आपने थोड़ी देर पहले बाबर आजम को सपोर्ट किया, सर आप आई इंडिया की तरफ से सबकी बातों का खिलाफ कर रहे हैं, सरफराज की तरफ से आप सबकी बातों को इतना बड़ा प्लेयर बताया भाई, अपनी बातें मेरे पे ना डालें, सुने तो अब आप पॉलिटिकल एंकर के साथ खेलने जा रहे हैं, नहीं यार ऐसे नहीं। लास्ट मैचेस देखें, अगर आप ये देखें कि बाबर आजम ने कितने मैचेस जितवाए और सरफराज अहमद ने कितने मैचेस जितवाए, तो आपके सामने खुद ही स्टेट्स आ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बाबर आजम को हटा के सरफराज को लेकर आए, सरफराज को कैप्टन बनाए। मैं इसमें आपको बताऊँ, सरफराज के आखिरी मैचेस उसकी परफॉर्मेंस और उसका पेट और उसका ग्राउंड में जमाइयां आपको भूल गई हैं। जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, मैंने आपको यही समझाया कि जावेद मियांदाद अपनी पीक पर 92 बेहतरीन था, उसके बाद वो इंग्लैंड भी गए तो नहीं चल पाए, बाकी जगहों पर टीम में आ रहे हैं जा रहे हैं, 96 में जावेद मियांदाद जैसा लेजेंड प्लेयर, सरफराज उतना बड़ा प्लेयर तो नहीं, बाबर उतना बड़ा प्लेयर तो नहीं, जावेद मियांदाद देखें, आप शॉट देखें,
तो ये पता है पीछे नहीं जब है, पीछे नहीं है, पता था उसको। नहीं परफॉर्म कर रहे तो उनकी जगह आया रिजवान। रिजवान है, बाबर तो ऑलरेडी टीम का कैप्टन है, अब रिजवान भी है, तो टीम का कैप्टन किसको बनाना है? सरफराज नवाज, सरफराज अहमद, सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कैप्टेंसी की वजह से टीम से आउट हुए, उनकी जगह विकेट कीपर रिजवान आए, बाबर नहीं आया, रिजवान आया। बाबर तो सरफराज की टीम का प्लेयर था, उसके बाद रिजवान ने आते ही परफॉर्म किया T20 में भी, वर्ल्ड कप में भी। अभी स्टैट्स निकालते हैं हम कि रिजवान ने कितने मैचेस खेलकर कितने रन बनाए हैं, उसके एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट क्या है, और उसने कितने कैचेस किए हैं, और ये भी मेरे ख्याल टीम भी निकाल सकती है, दो मिनट का काम है। अच्छा, और उसके साथ सरफराज अहमद के रन भी कम है, स्ट्राइक रेट एवरेज वो भी कम है। अब आप मुझे ये बताइए कि सरफराज अहमद कैप्टन होंगे बगैर विकेट कीपर के, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो और रिजवान अहमद को, रिजवान मोहम्मद रिजवान को निकाल दिया जाए, ये कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपकी बात का पूरा जवाब है, मोहम्मद रिजवान ज्यादा मैचेस खेलेगा तो उसके पास चांस होगा ये कि वो अपने आप को ज्यादा परफॉर्म करवा सके वहां पे। जितने मैचेस मोहम्मद रिजवान ने खेले उतने मैचेस सरफराज ने नहीं खेले, उसने नहीं खेले। लेकिन फराज, चलिए बात स्टैट्स की नहीं है, बात स्टैट्स की नहीं है। देखो, एक एक बॉलर, एक बैट्समैन है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप कहां से क्रिकेट खेलते हुए गए हो, आप डोमेस्टिक खेलते हुए गए हो, एक पूरा ना आप एक पूरा फिल्टर होकर आए हो। देखो मेरी बात सुनो, अभी स्टैट्स को साइड में रखो, छोड़ो, सुनो मेरी बात, सुनो जान मेरी बात, लड़ाई हो गई भाई, अभी स्टैट्स बाद में रखो, स्टैट्स को छोड़ दो बिल्कुल, स्टैट्स पे बात ही नहीं करो। एक छोटी सी एग्जांपल है खाली, आप इतने बड़े प्लेयर हो, इतने बड़े भी नहीं हो, आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, 50 से ज्यादा कैमरे लगे हुए, आपको पता है, आप ग्राउंड में खड़े होके यूं करके कर रहे हो, सही है, ये क्या अच्छी बात है? नींद आ रही, एक दिखा दो यार, नींद आ रही थी भाई, ये नींद आ सकती है क्या? आप क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ पे यार, आप मैच बसा हुआ है आपका, आप टीम लीड कर रहे हो और कैप्टन इस तरह कर सकते हैं, क्या बात है? ये मैं, ये वही हरकत हुई है जो जिसमें बाबर आजम आउट हुआ, यहाँ पे लड़ाई हो गई यार, सऊद और रिजवान जो है, ये देखें इससे सऊद ने कैसे खेली है, वही चीज हुई है जो बाबर आजम के साथ हुई थी, बाबर आजम को चाहिए ऊपर से टपा था, ओए चाचा, भाई चाचा ये आउट, गलत टाइम पे आ गया, चाचा तो आने चाहिए थे 40 पे, चाचू चाचू, इसके बाद लेकिन बचा कौन है पीछे? उसामा मीर, आज मैंने बताया था कि 50 चाहिए इसके पीछे, कोई नहीं बचाया, वो उसामा मीर है, उसामा मीर वो नहीं है, शादाब तो आज है नहीं, शादाब है नहीं, नवाज है ना, नवाज है, सॉरी यार, लेकिन वो भी इतने रन नहीं करेंगे, अगर आउट हो गए तो हो गए, वो भी नहीं, नहीं अभी पॉजिटिव ये रहना चाहिए कि ये अभी कोई फॉल ऑफ विकेट ना हो, ये 100 रन ऐसा नहीं यार, जब एक स्टैट्स जो है ओडीआई, क्योंकि ओडीआई चल रहा है, ओडीआई के स्टैट्स आपको बता दें, सरफराज के मैचेस बहुत ज़्यादा हैं रिजवान से, 117 मैच हैं और उनकी 91 इनिंग्स हैं जिसमें 2315 रन हैं, 105 हायस है और 33.55 यानी 33.55 एवरेज है, और उसके बाद स्ट्राइक रेट है 88.19, दो सेंचुरीज हैं, 11 फिफ्टीज़ हैं, और उसके बाद रिजवान की बात करें तो 67 मैचेस हैं, 62 इनिंग्स हैं और 1941 रन हैं, 131 हाईएस्ट है और 40.43 की एवरेज है, एवरेज का खासा फ़र्क है। स्ट्राइक रेट जो है वो है उनका 89.20 इसमें भी, और 3 सेंचुरीज और 13 फिफ्टीज़ हैं, मैच हाफ हैं, तो ये एक बहरहाल फ़र्क है मैचेस। अच्छा, कि जो कैचेस हैं वो 119 हैं सरफराज के 117 मैचेस में, और इनके 67 मैचेस में 67 ही कैचेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल उनकी 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा ऑब्वियसली, हाँ। मैचेस जो सेंचुरीज, 50 और सेंचुरीज दोनों ज्यादा हैं, दोनों ज्यादा हैं, 13 50s हैं और मैचेस कम हैं, 50 ज्यादा हैं और अभी आधे मैचेस खेले हैं, आधे मैचेस खेले हैं और सेंचुरीज भी ज्यादा हैं, आधे मैचेस खेले हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, सरफराज भाई और रिजवान का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, कहां बाबर और सरफराज का कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, आप पहले सिर्फ इधर कंपैरिजन कर लेना, T20 और ये बात, नहीं नहीं मेरी नहीं, स्टैट्स की बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब मैंने निकलने नहीं देना, ये फंस गया, नहीं देना, ये फंस गया, डबल बात ऐसे निकलने नहीं देना ऐसे, अब मुझसे बट टू बी ऑनेस्ट, मैं तो आपकी किसी बात से इख्तलाफ कर ही नहीं सकता ना, नहीं आप स्टैट्स से नहीं इख्तलाफ, मेरी तो कर रहे हैं आप इख्तलाफ, अगर आप देख रहे हैं एक बंदा कायद आजम ट्रॉफी के अंदर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, हाँ। तो आपको ये चाहिए कि आप उसको बुलाएं, उसको टीम में खिलाएं, आपको लग रहा है जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है उसको हटा दें आप, आउट ऑफ फॉर्म कौन है? रिजवान, देखिए मैं अब आप क्या सरफराज को बाउंड्री पे खड़ा करके फील्डिंग करवाएंगे यार, उनकी प्राइमरी क्या जॉब है? अच्छा आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो जहां है उधर परफॉर्म करना चाहिए, पिछले
तीन PSL से उनकी टीम आगे नहीं जा सकी, उनको अपनी T20 क्रिकेट पे भी बेहतर करना चाहिए, जैसे उन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी में अपनी टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ये करना चाहिए। अग्री विद यू, अग्री विद यू भाईजान। अब सर आप ये बताओ, यहाँ पर आके स्टेज पे मैच हारना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात? बिल्कुल, बात बताना, इंडिया से आप मैच हारे, आपने खराब परफॉर्मेंस दी, उसके बाद आपने इतना बड़ा ऐलान किया कि हम ये कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम वो कर देंगे, हमने ये प्लान किया हुआ है, भाई क्या प्लान है आपका? यही प्लान था कि सब आउट हो जाएंगे, सब आउट, यही प्लान था, लोग खुश करेंगे पहले। क्या सर आप ये बताओ, वार्नर और मार्श आपकी ऐसे कुटाई कर रहा है जैसे कि आपके बच्चे उनके सामने। आप ये देखो कि सर अभी जैम्पा को गाइड करने विटोरी आया ग्राउंड में, ठीक है, ऑन द बाउंड्री लाइन हमारी बॉलिंग चल रही होती, कहाँ होते हैं हमारे, कोई कैप्टन नहीं जाता हमारा, कोई जान नहीं मारता, कोई मतलब बॉलर को बैक नहीं करता कैप्टन जाके, नो वन सर ये मैच जीता हुआ हारे, अगर हमारे जीता हुआ अपने मुंह से आज सामीर अपने कैश ड्रॉप का जिसका मिरेकल हो जाए, अल्लाह करे यार अल्लाह करे हो, मगर सर आप देखो ना ये क्या फायदा है, 8वें नंबर के बैट्समैन क्या खेलेगा बेचारा, जो बात है यार। नहीं लेकिन हो सकता है खेल रहे भाई, ये कहाँ से खेल, क्या आइडिया, 9 ओवर है, 9 ओवर है, 90 रन है भाई, हो जाएगा यार इंशाल्लाह। अभी 3 ओवर स्टार्क के, 3 ओवर कमिंस के, 6 हो गए, पीछे बचा जैम्पा, पीछे बचा आपका स्टोइनिस, जो स्टोइनिस इसका नाम एक तो सारा स्टोनिक, बहुत मुश्किल नाम है, खतरनाक नाम रखा है इसके अम्मी अब्बू ने इसको, तो गाड़ी का नाम रख दिया, गाड़ी का नाम रख दिया यार, यार ये तो बहुत मसला हो गया है। अच्छा दोनों जो इफ्तिखार और ये LBW हैं, दोनों बॉल अंदर आए, भाई अभी पूरा चेक करना आप, देखना ये 2-3 जो लोग अभी आउट हुए ना, आप देखना उनका पैड पहले आगे आ रहा है, उनका बैट ही बॉल पे नहीं आ पा रहा, स्टांस इसका बोलने का मतलब इसका स्टांस ही नहीं स्टांस कड़क था। हां जी आप परफॉर्म करके दिखाएं, मैं चाहता हूं जो आपने ये करके दिखाओ, मैं करके दिखाऊं, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस, आप जरा परफॉर्म करके इधर पिच पर आए, आप जरा वहां से देखो, देखो ना जरा मैं किस तरह बोल रहा हूं, ये आ गया, अब यार आप बताइए इस एटीट्यूड से रन चेज होंगे 94 पे 94 रन, बॉल नहीं कराओ, अब ये बॉल इतनी करीब आ गई ना, ये इनका पैड पहले आ गया, पैड पर तो LBW होगा जब बॉल ऑन द लाइन होगी तो, ठीक है, अबे भाई बैट आगे लाओ ना, तुम इधर रोक लो, तुम अगर रोक रहे हो तो तुम पहले ही बैट आगे लो तो तुम बच तो जाओ कम से कम, अभी देखो कितनी डिसअपॉइंटमेंट है भाई, एसएन 70 पे 100 मतलब बच जाओ तो आउट नहीं हो तो, अपने हाथ से मैच दे रहा है पाकिस्तान, अपने हाथ से दे दिया था, करीबन दे दिया, गलत कर रहे हैं, गलत दे दिया, बहुत चाइल्ड, अभी स्टार आएगा छोड़ेगा थोड़ी जड़ों में जब मारेगा इनकी, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं हार रहे, बट देखो ना, लेकिन अगर देखे जाए अगर उनके स्पिनर्स हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, सिर्फ आप चाहोगे पाकिस्तान हारेगा, स्पिनर्स नहीं क्यों चाहेंगे भाई, उसे फास्ट बॉलर को खेल लेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी कह सकते हैं, आउट आउट हो गया, आउट खत्म, कोई बात नहीं, वो नहीं बोल, आप हसन को, शाहीन को, हारिस रऊफ को आपका आप तनकीद कर ही नहीं सकते ना, वो बॉलर है, वो अपने काम करके चले गए, होप थी हसन भी मैं खेल ही लेता, खेल लेता हसन और शाहीन ने फिर भी एफर्ट्स करी, होता ना कि 30 पे 30 को चाहिए होता तो फिर आप इस पे, अभी अगर विकेट्स होती कितना मजा आता यार, सर आप ये देखो ना शहरोज भाई, फराज एहसन 100 रन चाहिए थे, 3 आउट थे, 60 रन चाहिए, 9 आउट हो गए, आगे इंडिया वाला मैच हो गया, माज को कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई उसकी आउट होने पे यार, माज माज मास 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 पानी पियो, मास क्या हुआ पाकिस्तान, मास हारिस है, पानी पियो, मास हारिस है, पानी पियो, पानी पियो, मास हारिस है, इसको कुछ हुआ शरोज भाई, मास एक कैंपेन आई है, क्या हो गया, चला अभी तक, हां है बाबर आजम चला गया, शाहीन है, सब है, कैप्टेंसी की रेस है, सब है, हां हार तो नहीं रहे, नहीं नहीं मैं जीत रहे, वो मारा छक्का, वो देखो, मास पानी पियो, पानी पियो, अभी हम इंडिया से वापस नहीं आएंगे, चलो सबके 50-50 हो गए, आ जाओ, हो गए, अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ, ओ भाई क्या बात, ओ भाई तो मार रहे, मैच खत्म, चलो अल्लाह हाफिज़, मैं तो जा रही हूँ भाई, मैं तो टूट गया, तो अच्छा मुदस्सिर भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं और लारेब खालिद, तो ये वजह थी जो मैं आज आपसे बार बार कह रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आई लव पाकिस्तान, मुझे अपनी टीम से मोहब्बत है, लेकिन जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए आज पाकिस्तान मैच हारेगा, अनफॉर्चुनेटली वही हुआ आपके सामने, ये रीजन था, खत्म सब, कहाँ पे मैच हारे, क्या लगता है हम कहाँ पे मैच हारे, वहीं पे हैं जहाँ से 300 से ऊपर स्कोर हुआ है।
एक छोटी सी कहावत है, छोटी सी उम्र से सुन रहे हैं, कैचेस विन मैचेस, ठीक है। अगर आपका 10 रन पे वार्नर आउट होता तो ये स्कोर 268 होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब हम बैटिंग स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, हमारे ओपनिंग हमें अच्छी मिली, वो भी आउट ऑफ द ब्लू मिली है, सही है, वंस इन अ ब्लू मून मिलती है हमें ये। 150 पे आपका पहला ब्रेक थ्रू हुआ, उसके बाद आप ये देखो कि आप कैप्टन आ गया हमारे, कैप्टन ने एक चाइल्डिश शॉट खेल के अपनी विकेट खुद दे दी, आजा भाई आउट कर ले, मैं जा रहा हूँ, पीछे थक गया हूँ, ठीक है यार। आप एक देखें, ये आप जो चीज है वो है, आप ODI की रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है, बिल्कुल 12 टीमें खेलती हैं क्वालिफायर हटा के, ठीक है। आप जब मैच ही नहीं जिता रहे हो, उस एक नंबर को हमने क्या करना है, ब्रीफकेस में रख के रखना है, सही बात। हम कितना बार बार कवर करेंगे, हम भी बोलते हैं, बैक करते हैं, हम ही स्टोरी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा भाई, होप नहीं आ रही, लोगों से डिबेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर आप एक कैप्टन हो, आप पे एक जिम्मेदारी है, पूरा मुल्क आपके पीछे बैक कर रहा है, आपको दुआएं कर रहे हैं, 10,000 लोग टाइम निकाल के मैच देख रहे हैं, अपने ऊपर खर्चे कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब हर कोई बैठा हुआ है। आप एज अ कैप्टन लीड ही नहीं कर पा रहे हो, फिर जब जलती है, हम बोलते हैं विराट कोहली भाई अच्छा है रन चेजर, वो आता है, अगला कांपता है, सही बात है। बाबर आजम के आने से कोई कांपता नहीं है, क्योंकि उसको पता है बाबर आजम आके सिर्फ बोला कमेंट्री पड़ेगा, वो अच्छा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव चौका, वो अपनी एक शाबाशी सुन ली, चलो भाई खत्म, बाबर आजम का यहाँ पर करेक्टर खत्म हो गया। और लोग बड़े रिजवान हर मैच तो नहीं जिताएगा ना, 130 रन मारे, सही बोल रहे हो, बिल्कुल हर मैच तो नहीं जिताएगा, सही बात, ठीक है। रिजवान ने 130 रन मारे, यहाँ पर रिजवान को चाहिए था कि जब मैं 44 रन पे खेल रहा हूँ, भाई ये पुराने लोग बोलते हैं कि जब आपने ODI खेल रहे हो, आप 40-45 रन पे खेल रहे हो, बॉल फुटबॉल दिखता है, आपको जिम्मेदारी लेके स्ट्राइक, तुम डिफेंसिव क्यों खेल रहे हो, 3 आउट हुए थे भाई, 7 आउट नहीं थे जब तुम बैटिंग पे थे, सही बात है, तुम रिस्क तो लो। हमारे इनिंग में कितने छक्के चाचू के मिला के, 6-5, 305 रन में 5 छक्के, 30 रन, आज की क्रिकेट में कौन से चल रहे हैं, ये 2023 में रह के हम 2003 की क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पाकिस्तान टॉप कर जाए, कहां से करेगा, आप चिढ़ोगे ही ना, मेरी तरह और भी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। लालेब आपकी बात सही है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था जब श्रीलंका के खिलाफ मैच था, कि हम लोग बहुत अरसे से अपनी बैटिंग को ही क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि देखा जाए हमारी बॉलिंग जो है ना यार, नहीं मेरी बात सुनो ना, हमारी बैटिंग अच्छी है, अब आपको स्कोर ही 500 पड़ गया, 400 पड़ गया, 350 हो गया स्कोर, तो बैट्समैन कितनी दफा चेस कर, अरे भाई श्रीलंका का मैच आपको श्रीलंका ने जिताया है, 40-38 रन उनका एक्स्ट्रा में थे, बनाते आप, ठीक है, प्रेशराइज हो गए थे आपकी, हम बॉलिंग पे रिलाई करते शुरू से, पाकिस्तान का क्रीम रही है कि पाकिस्तान के बॉलर दुनिया में कामयाब है, मगर आपके टॉप 10 क्रिकेटर्स जो बैट्समैन है ओडीआई के रैंकिंग में, उसमें 3-2 तो बैट्समैन आपके कहां है, नहीं है ही नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। में देख लो, रोहित नंबर 1, विराट कोहली नंबर 2, भाई वो अपनी जगह बुढ़े हो गए, 32-32 साल, 33 साल का जानवर है रोहित शर्मा, मगर अपनी टीम को परफॉर्म करके हटा के दिखा दे, कोई कैप्टन नहीं खेलता, एक क्वेश्चन नहीं होता उस पे, एक क्वेश्चन पाकिस्तान ने वही रवायत जो अपनी है वो बरकरार, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगे, सवाल उठ जाए तो लोगों को इतना नहीं, अभी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, हम बैठेंगे सर वो असल में जो है ठीक है, आप बड़ा बोल बोल रहे हो, अगर आपने बड़ा बोल चलो बोल भी दिया, उसके बाद आपको पूरा नेशन बैक भी कर रहा है, आप परफॉर्म तो करो, आप कैप्टन हो, अबे भाई पहले नंबर का बैट्समैन है, काय का बैट्समैन है, लेकिन सिर्फ बैटिंग में नहीं है, इसका बाबर आजम को हम देखें जो कैप्टेंसी में भी लैक कर रहा है, जब बॉलिंग कर रहा है, सर कैप्टेंसी 90% लैक पता क्यों कर रही है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, एज अ व्यूअर 50 ओवर मैंने पाकिस्तान की फील्डिंग देखी, 12 दफा गिन के सिर्फ बाबर आजम को स्क्रीन पर देखा मैंने, क्यों, कैप्टन तो पूरी एक कीपर और एक कैप्टन, कीपर बैकबोन कहलाती है फील्डिंग में, सही है, आधा प्रेशर कीपर ने डाला हुआ था, और कैप्टन जो था अपने बॉलर्स को बैक कर रहा होता है, आप 50 ओवर में जाके देख लो कोई भी रिप्ले आ रहा है उसमें कहीं गया जाके शाहीन हारिस रऊफ पिट रहा था, बाबर आजम गया, ओए भाई होगा मैं बोल रहा हूँ, दूसरा बॉलर दूसरा गया शाहीन, अबे यार यहाँ पिच कर है ही नहीं, कुछ नहीं वहां पर, तीन बंदे अगर 2 छक्के पड़ गए पांड्या को, पूरी 6 लोग पहुंच जाएंगे पांड्या के पास, ये होता हो कि यार हमारी क्विक रिप्लेसमेंट फील्डिंग में हो ही नहीं रही होती, प्लेयर भाग ही नहीं रहे, अरे भाई क्विक क्विक चेंज होती, कोहली गया शर्मा के पास, शर्मा गया हार्दिक के पास, और अगली बॉल पे रिजवान आउट, रिजवान के इमाम, हाँ, ऐसा ही इमाम आउट, पाकिस्तान ये वाला मैच खुद हारा है, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल से अगर अल्लाह ना करे निकलता भी है ना, तो ये बात कहीं यार गलत नहीं होगी कि हम अपनी गलती पे ही बाहर आ रहे हैं भाई, सही बात है, हम अपनी वजह से ही हारते हैं, आप अगर एफर्ट यार आप ये वाला मैच हार जाते, 5 रन से हारते, 4 रन से हारते, आपके चेहरे पे आंख तो होती, सही बात, अग्रेशन कहां है, फाइट तो की है,
फाइट कर अब ये कोई मैच फाइटिंग कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि आप 200 आपके 70 बॉलों पे 100 रन रह गए, आपके पास 7 विकेट है हाथ में, आपके भाई 40 बॉलों पे 90 रह गए, कैसे कोलैप्स वही वाला मैच इनडायरेक्टली पाकिस्तान इंडिया वाला स्ट्रक्चर ही आ गया क्या आपका मिडिल ऑर्डर से लेके एंड तक गए 35 स्कोर पे 5 आउट हुए। आप टेल एंडर्स पे हम बात करते हैं कि बॉलर है बैटिंग नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इंडिया का बैट्समैन कैसे खेल रहा 90 नंबर का आगे, गुस्सा आ गया यार। नहीं थैंक यू भाई, बात तो है खैर यार। हाँ लेकिन बहुत दिल बर्दाश्त हो गया, नो डाउट ऑस्ट्रेलियन प्लेड वेरी वेल, बेहतरीन क्लास का स्टार्ट था, क्लास का स्टार्ट था हैंड्स डाउन, ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए भाई पाकिस्तान की टीम के बैट्समैन की। इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि ये शो हमारा जो इसके थ्रू आपको अच्छा मैसेज दें और अपनी जो टीम है उसको पॉजिटिव वे में हमेशा क्रिटिसाइज करें और ये है कि उसकी बैकबोन में रहें। सो अफगानिस्तान के मैच में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।